शास्त्रों में जो प्रमाणित भोजन है मनुष्य के लिए वही भोजन करे। नाम सुनिए, मनुष्य के लिए कितने प्रकार के भोजन है। पारशाही आलू परवल की तरकारी, महाराज सेम भुटिया कचनार, खीरे ककड़ी बैगन भिंडी की दे रही बहार, तोरई लौकी कोवी कटहल की नियारी, करेले सुखसार पालक वाली भुजिया विविध प्रकार, खट्टी मीठी चटनी पोदीने वाली अचारी, रखी बनी निराली, हर एक मरब्बा भांति भांति के परसा, पापड़ कचौरी रेता कचौरी पूरी पकौड़ी खस्ता, सेब सुहाग बर्फी तरी सब दाल रस भरी मटरी, महाराज बालशाही जिलेबी बड़ी तिकोने के दलमी से, खीर दूध मलाई की छविधान, पूरी बुनिया की कौठिकान, कभी क्या करे बखान, ये भोजन मनुष्य के लिए बना है, फिर भी मनुष्य का फीता उतर गया है, थूक खखास मुर्दा मछली खा, खबैया यमखी मोतिया बिंद हो जाए। भजन करने वाले को सबसे पहले भोजन सुधार विचार। कबीर वाणी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन कबीर वाणी में वह दम है, मनुष्य का ऑपरेशन करके उसमें जो बुराई है निकालने का काम करता है। जीवन में चाहिए सबसे पहले हम लोग बढ़िया भोजन करें। शाकाहारी बने, सादा भोजन करें, भोजन में भी बढ़िया भोजन कीजिए शाकाहारी में। भोजन पर साग होना चाहिए, भोजन पर सलाद होना चाहिए, भोजन पर गाय के घी भी होना चाहिए, भोजन पर दूध होना चाहिए, 8 बजते सुबह जलपान होना चाहिए, 12 बजे में भोजन होना चाहिए, 4 बजे में भुजिया खाना चाहिए, 9 बजे रात में भोजन करके सो जाना चाहिए, 3 बजे भोर में भजन करने के लिए जग जाना चाहिए, यही मनुष्य को दिनचर्या बनाना चाहिए। तीन बजे के बाद मनुष्य को सोना नहीं चाहिए, जो सोने का तो लोग 8 बजे दिन तक सोए रहते हैं, जो आदमी 8 बजे दिन तक सोए रहेंगे वह मनुष्य थोड़े हैं, क्या है, कुंभकर्ण का चचेरा भाई है। कुछ बढ़िया दिनचर्या बनाए, व्यवस्था के अनुकूल भोजन कीजिए। आप मकई लगाते हैं, गेहूं बोते हैं, बढ़िया खाद देते हैं, बढ़िया यूरिया देते हैं, समय पर स्प्रे करते हैं, बढ़िया फसल हो जाए, मनुष्य शरीर में भी चाहिए बढ़िया भोजन चाहिए। बहुत आदमी को जमीन है, मकान है, पैसा की कमी नहीं है, रात दिन यल्लू भात यल्लू भात विचार। बहुत आदमी को ठौना में दर्द है, कमर में दर्द है, इसका मतलब है कि गिरीश खत्म हो गया। आप साग सलाद गाय के घी खाने में दूध खाने में कमजोरी किए हैं, सुबह में टहलते नहीं हैं, लहसुन तेल मिलाकर के मालिश नहीं करते हैं, हंसता चेहरा नहीं रखते हैं, रात दिन मुंह फुला करके कदमा जैसा बना के रखते हैं, दूसरे को देख करके जलते हैं। एक माता जी देखलिए ना, खुखबाए ताके कहलिए हमने केकरा पर आंख निकाले छे, कहलिए बाबा जा दुश्मन है, ई तो अगले न जे पक्का बने तैयार कई पक्का। अब विचार कर, जीवन में आदमी को चाहिए दूसरे को देख करके जलना नहीं चाहिए। रोटी खाइए याद ही, सब्जी धुन्ना, पानी तीन गुन्ना, हसीये चरगुन्ना, दो
कमबै छी खाइ छी भजन करै छी के लिए कर्जा नहि धरै छी। आमदनी के अनुसार खर्च कीजिए, आमदनी कम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है, ताकत कम गुस्सा ज्यादा मार खाने का लक्षण है। आदमी को आमदनी के अनुसार खर्च करना चाहिए, ताकत के अनुसार गुस्सा। अब देहम हड्डी झलके झाँ भिड़ी लो बड़ी आदमी से झलके चार मुक्का महाराज सकलो नहीं गिरी लोग। चलिए जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े के चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर को भी रुखानी बसुल्ला का मार खाना पड़ता है, तब एक दिन पत्थर का भी पूजा होता है। आदमी को चाहिए पत्थर की तरह दुनिया के मार को खा करके भी देवता जैसा कर्म कीजिए, देवता जैसा भोजन कीजिए, राक्षस जैसा कर्म नहीं कीजिए, राक्षस जैसा भोजन नहीं कीजिए। बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन। भजन करना है तो भजन में पीएचडी कीजिए, मैट्रिक इंटर से काम नहीं चलेगा। आदमी दीक्षा ले लेते हैं, गला में माला भी है, हम पटा दिए पटे गाला में कंठी लेकर के गुरु से दीक्षा लेकर जो आदमी खैनी खाते हैं, जो आदमी बीड़ी पीते हैं, जो आदमी बकरी पोसते हैं, जो आदमी चुगली लाते हैं, जो आदमी टटिया धटियाते हैं, जो आदमी यार काटते हैं, उसका सौभाग्य नहीं है, ऐसे आदमी का दुर्भाग्य है। हर आदमी को चाहिए बढ़िया भजन कीजिए, बढ़िया भजन। गुरु से दीक्षा ले लीजिए, वैष्णव धर्म का पालन कीजिए, समय अनुकूल भजन कीजिए, किसी को देख करके जलिए नहीं, परिश्रम की रोटी खाइए, बाल बच्चा को भी बढ़िया शिक्षा दीजिए, सत्संग में बैठ जाइए, नाच ड्रामा में बैठना बंद कर दीजिए। साधक आदमी को नाच ड्रामा और जैसा तैसा गाना जो सुनेंगे उससे साधन भजन ध्यान नहीं होगा। साधन भजन ध्यान करने वाली माँ बहनों को जो दीक्षित हैं उसको डीजे पर